पलामू डीसी के चालक और एसपी आवास के ड्राइवर ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। जिले के उपायुक्त की स्कॉट गाड़ी के चालक और पुलिस अधीक्षक आवास के चालक ने एक ग्रामीण महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेदिनी नगर शहर थाना क्षेत्र और गुरुवार सुबह की घटना बताई गई है। एसपी आवास के ड्राइवर का नाम प्रकाश कुमार है और डीसी के चालक का नाम धर्मेंद्र कुमार है। बताया जाता है कि चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव पंचायत क्षेत्र की एक महिला गुरुवार सुबह डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से निकलकर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रही थी। उसकी उम्र 20 वर्ष है और वह 3 बच्चों की माँ है। स्टेशन से निकलने के क्रम में महिला के मोबाइल में रिचार्ज करने के बहाने उसे झांसे में लिया और फिर दोनों उसे लेकर स्टेशन के समीप अपने किराए के मकान पर पहुंचे और बारी बारी से दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला शहर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही दोनों चालकों के मोबाइल लोकेशन की सीडीआर निकाली गई और मिलान होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों की मेडिकल जांच करने के लिए एमआरएमसीएच में भेज दिया गया है। जिले की एसपी रिश्मा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। महिला की भी मेडिकल जांच कराई जाएगी और घटना के संबंध में जांच करने के लिए एक टीम को लगाया गया है।